हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो हम बनाएंगे आम से। तो फ्रेंड, आम का सीजन आ चुका है और इस समय कच्चे आम इस तरह से बिना गुठली वाले आ रहे हैं और इस तरह से बिल्कुल कलियों वाले आम लेने हैं। और ये मैंने लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा 1 kg आम और इस तरह से लिया है जिसमें जाली ना पड़ी हो। बिना जाली के आम का प्रयोग करना है और छोटे साइज के आम का प्रयोग करना है। इस समय आपको इजली आसानी से मिल जाएंगे ये। और फिर इसके बाद हमने लिया है ये सौंफ 2 बड़ा चम्मच, फिर हमने 4 लाल मिर्च ली है इस तरह से साबुत वाली, फिर हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया और इधर हमने लिया है शुगर जो हमारा 50 ग्राम है। तो ये आम को मैंने अच्छे से वॉश करके छील लिया है और फिर इसको धुल लिया है 2-3 पानी। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और फटाक से बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलते हैं गैस की तरफ और फटाफट तैयारी करते हैं। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार बना लेंगे तो आपके बच्चे जैम वगैरह खाना भूल जाएंगे, इसे ही खाएंगे और आप इसे पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो आ गए हैं गैस की तरफ और हमने एक कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई आपको मोटे तले की रखनी है इसको बनाने के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे अपना धनिया सबसे पहले, फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ जो हमारा 1 बड़ा चम्मच है और छोटा चम्मच 2 है, और ये साबुत लाल मिर्च इसके हम इस तरह से डंठल निकाल लेंगे, ये जो होते हैं इस तरह से इसको रिमूव करके इसके अंदर डालते जाएंगे। और इसे डालने के बाद आपको इसे अच्छे से रोस्ट करना है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर आपको इसे 3 मिनट तक रोस्ट करना है। मसाले जलने नहीं चाहिए क्योंकि मसालों में अपना एक ऑयल होता है। अगर आप इसे इस तरह से हल्की आंच पर भूनेंगे तो इसमें महक के साथ साथ इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमें धनिया और ये सौंफ और ये लाल मिर्च को भून लेना है। तो फिर मैं 1 किलो के हिसाब से बना रही हूँ। अगर आप आधा किलो के हिसाब से बनाएं तो मिर्च को 2 कर लीजिएगा और धनिया को आधी चम्मच कर लीजिएगा और सौंफ को आधा चम्मच कर लीजिएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून रहे हैं और इस तरह से खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इस तरह से देखिए अच्छे से हमारी ये भुन गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद ही हम इसे चलाते रहेंगे क्योंकि मसाले हमारे जल ना जाए। और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। तो मैंने कढ़ाई ले लिया। तो फ्रेंड, हमने मसालों को इस तरह से भून कर निकाल लिया है और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसे ठंडा करना ज़रूरी है, गर्म गर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें कढ़ाई में डालेंगे ऑयल और ये भी सरसों का तेल हम डालेंगे 1 चम्मच तक छोटा। और जब हमारा सरसों का तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जीरा। तो जीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरा आपको ज़रूर डालना है। और तेल को अच्छे से हो जाने देंगे और जब हमारा तेल हो जाएगा हम इसमें जीरा डाल देंगे। और जीरा डालने के बाद हम इसे इस तरह से चला लेंगे और अब इसमें हमें अपने आम को डालना है और इस तरह से सारे आम को डालना है। इस तरह से मैंने डाल दिया है और अब इसे चलाकर ढक्कन लगाकर रख देंगे जब तक कि हमारे आम ये गल नहीं जाते हैं। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे बस ढककर रख देना है और 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं और ढक्कन लगाकर हमने रख दिया था और अब इसे हम चेक करेंगे और इस तरह से ढक्कन को हटा देंगे आसानी से। और ये देखिए हमारे आम अच्छे से गल चुके हैं और 15 मिनट में आम अच्छे से गल जाते हैं, बिल्कुल भी पानी मैंने नहीं डाला था। और इस तरह से देखिए हमारे आम अच्छे से गल चुके हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तक नमक। अभी तक हमने नमक नहीं डाला था क्योंकि अगर आप नमक पहले डाल देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह से पानी छोड़ने लगता है और अभी जो ये दिख रहा है इससे बुरा ये पानी छोड़ने लगता है। तो इसलिए शुरुआत में आपको इसमें पानी नमक नहीं डालना है और अभी से हम चला लेंगे और नमक को अच्छे से मिला लेंगे। और इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें शुगर यानी शक्कर और हम इसमें डालने हैं शुगर 1 कटोरी तक और नाम में बता दो 50 ग्राम है ये। और इसे डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और शुगर को अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए शुगर डालते ही तुरंत गल गई है और अब हम इसे फिर से पकने देंगे, लेकिन अब हम इसे ढक्कन नहीं लगाएंगे और अब इसे हम खुला पकने देंगे। तो इस तरह से हमने शुगर डाल दिया 1 कटोरी। तो फिर बहुत ही अच्छी लगती है ये, आप फ्रिज में रख कर इसे स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे ये मसाले भी ठंडे हो चुके हैं, आप देखिए हम इसे छू सकते हैं। तो अब इसे हम धीमी आँच पर पकने देंगे और चलते हैं मसालों को हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो फ्रेंड, जब तक हमारे वो
अच्छे से गल रहा है तब तक। तो फ्रेंड्स शक्कर डालकर हमने इसे रख दिया है और वो खुला ही पकेगा, और तब तक हम आइए अपने मसालों के साथ कुछ कर लेते हैं। तो ये हम छोटा वाला मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम अपना मसाला डाल देंगे और इसको हम दरदरा पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। और अब मैं इसे पीस कर लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इसे पीस के दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड मैंने इसे पीस लिया है इस तरह से, देखिए दरदरा पीसा है। और अब मैं इसे निकाल लूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि कितना दरदरा है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और ये देखिए इस तरह से दरदरा आपको पीसना है। इस तरह से आपका दरदरा होना चाहिए, देखिए इतना दरदरा होगा तभी टेस्ट आएगा। बहुत बारीक पीस देंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ और हमने जो शुगर डाला था अच्छे से वो मेल्ट हो चुकी है। और इस तरह से ये हल्का सा देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, ये देखिए जब ये पक जाता है तो इसकी पहचान ये होती है कि ये कढ़ाई छोड़ने लगता है और चिपकता नहीं है। इस तरह से दिखते मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से जब ये बंधने लगे तो समझ जाइए आपके आम अच्छे से पक गए हैं और कढ़ाई ने अपना कमाल दिखा दिया है। तो इसे मोटे तले की कढ़ाई में बनाइएगा, अल्मोनियम की कढ़ाई में बनाइए या लोहे की, लेकिन इसे नॉनस्टिक पैन में मत बनाइएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और अब इस स्टेज पे हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था उसको हम इसके अंदर डाल देंगे पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है ये, एक किलो के हिसाब से ये मैंने बताया था। अगर आप आधा किलो बना रहे हैं तो आप मसाले की मात्रा कम कर सकते हैं। और अब इसे डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए कोयल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कोयल बोल रही है। और इस तरीके से हम इसे चला लेंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप शुगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस समय गर्मी चल रही है और जो गुड़ होता है वो गर्म होता है, यानी इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए हम गर्मी के हिसाब से इसमें शुगर डालने हैं। मेरे पास गुड़ भी है लेकिन मैंने इस समय नहीं डाला है। अगर आप इसे गुड़ से बनाते हैं तो इसका टेस्ट थोड़ा अलग आएगा और शक्कर से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं इसलिए शक्कर डाल रही हूँ। और इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और आम हमारा अच्छे से गल चुका है। तो कुछ कलियाँ इस तरह से आपको थोड़ी सी मोटी मोटी नजर आएंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे तो इसे मिक्सी जार में डालकर पी सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए आम अच्छे से गल चुका है और जो ये दाने हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुँह में आते हैं, तो खाने में मज़ा आता है। और इस तरीके से हम मिला लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक हमें इसे अच्छे से भूनना है ताकि हमारी जो आम में नमी है वो निकल जाए और आम अच्छे से ड्राई हो जाए। जितना आपका आम ड्राई होगा उतना ही ज़्यादा आपकी चटनी बहुत दिन तक चलेगी। आप इसे बिना फ्रिज के भी पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में आप इसे 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चला लेंगे और ये देखिए अच्छे से कलर आ चुका है, बहुत बेहतरीन सा कलर आ चुका है ये देखिए। और हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम को बंद करने के बाद भी हम इसे चलाते रहेंगे। तो ये हमारी फाइनल चटनी का लुक है। अगर आप इसे पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ बच्चों को देंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बाहर के मिलने वाले जैम से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। आप इसे समोसे के साथ खा सकते हैं और इसे पकौड़ों के साथ रमजान में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है, खट्टा मीठा तीखा, इस तरह से मुंह में इसका फ्लेवर आएगा और आम का अपना अलग टेस्ट होता है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये लॉकडाउन में अगर आपको जैम नहीं मिल रहा है तो इस तरह से बनाकर इसे रख लीजिएगा और आराम से इंजॉय कीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया लुक आया है इसका और कितना बढ़िया कलर आ चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड रेडी है हमारी ये कच्चे आम से बनी बहुत ही अमेजिंग जैम स्टाइल ये चटनी। कितनी ज़्यादा टेस्टी है, आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार जिद करके बनवाएंगे। इस तरह से इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, बहुत ही फ्लेवरफुल है ये। एक बार बनाइएगा और बार बार खाइएगा और बिल्कुल बनाने का झंझट नहीं है बार बार, और एक बार बनाकर पूरे महीने तक खा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी, आप इसे ठंडा कर लीजिएगा हल्का सा और फिर उसके बाद इसे डिब्बे में रखिएगा, गरम गरम मत रखिएगा नहीं तो ये भाप बन जाएगी और फिर उसके बाद वो पानी छोड़ देगा तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसे स्टोर करने के लिए आप मैंने इस तरह से बर्तन में फैला दिया है और इसे मैं ठंडा कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं इसे कांच के डिब्बे में या प्लास्टिक के डिब्बे में जिसमें चाहें आप इसे स्टोर कर सकते हैं, स्टील में भी स्टोर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके पास जो भी हो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं और इसे पराठे के साथ, अचार के साथ,
भी ऐड कर सकते हैं। जब बच्चों को अचार दे तो साथ में मीठा वाला भी दे दे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस तरह से ये अमिया का ये बना टेस्टी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस समय अमिया आने वाली हैं और बिना जो जाली वाली है उसी से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और वो अच्छे से बन जाती है। तो देखिए इसका कलर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना प्यारा कलर आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग ये बनाकर रख सकें और रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। बाय।